नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक। दिन में सूरज की तपिश के कारण बीमारियों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर योगेंद्र सरदाना ने बताया कि मौसम में परिवर्तन का असर बच्चों पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ओपीडी पर मरीजों की संख्या ज्यादा हो रही है। मौसम में हो रहे बदलाव व बढ़ रही गर्मी से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस समय खान पान में विशेष ध्यान रखें, ठंडा पानी पीने से परहेज करें, बीमार होने पर अस्पताल में उपचार कराएं। बढ़ रहे तापमान के कारण बीमारी बढ़ रही है। इस समय हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, जिसके कारण कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग बुखार, दर्द, श्वास, दस्त व पेट दर्द की चपेट में आ जाते हैं। लगभग ओपीडी की बात देखा जाए तो आम दिन से जो गर्मी का टाइम है, इसमें कम से कम 20% पेशेंट ज़्यादा बढ़ गए। और पेशेंट जैसे डायरिया, वोमिटिंग है, फूड पॉइजनिंग है, एब्डोमिनल पेन है, फीवर है, इस तरह के पेशेंट, अस्थमेटिक पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरह के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो कैसे बचाव है? बचाव का ये है कि भाई कम से कम धूप में कम से कम निकलें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और बाज़ार से जो कटे फल हैं, कटी सब्जियां हैं, उनका बिल्कुल प्रयोग ना करें, बासी खाना बिल्कुल ना खाएं, और गर्मी में जो तरल पदार्थ हैं उनको ज़्यादा लेते रहें, थोड़ा थोड़ा लेते रहें। डेली कितने मरीज आते हैं जैसे ओपीडी? डेली जो मेरी ओपीडी करीब 100+ की ओपीडी है पर डे की। तो पहले से संख्या ज़्यादा? पहले हाँ, पहले से कभी पहले 80-90 पेशेंट थे, अब 100 क्रॉस कर रहे हैं, डेली 100% आ जाते हैं। तो ज़्यादातर मरीज कौन से आते हैं आप? ज़्यादातर तो स्किन के आ रहे हैं, और लेकिन जब से ज़्यादा गर्मी बढ़ी है तो डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वोमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, ये पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जिस तरह से लगातार उमस बढ़ रही है, तो इसमें लोग कैसे अपना ख्याल रखें? जैसे उमस को देखते हुए ये कि भाई कम से कम हल्का खाना लें, तरल पेय ज़्यादा लें, धूप से बचाव रखें, कम जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकलें। ये सब अगर हम बचाव रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम